भारत का उत्तर पूर्वी छोर, जो हमेशा से अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसे उगते सूर्य का पर्वत भी कहते हैं, इसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। तो आपको देख करके बहुत ही हैरत होगी कि हम सभी अलग अलग वेशभूषा पहनते हैं, अपने अपने अलग अलग बोलियां बोलते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। बांस अरुणाचल की सभ्यता की नींव है और इन दोनों का साथ सदियों पुराना है। हमारे लिए सिर्फ साज सजावट के काम आने वाले बैम्बू का अरुणाचल के लोगों ने सोने की तरह उपयोग किया है। इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। हमारी ये तीनों जरूरतों की आपूर्ति करती है हमारी बम्बू। पर अब कहीं न कहीं सभ्यता पर आधुनिकता भारी पड़ गई है। सब नकली चीज को यूज हो रहा है। स्टील प्लेट, स्टील बत्ती, स्टील ताली ना, स्टील ग्लास है, यूज होता है। तो आरसीसी बिल्डिंग बना के बेचता है और बम्बू को तो आजकल ऐसे जंगल में पड़ा रहा है। आज उसी बैम्बू का साथ देने, उसके साथ खड़े होने, अरुणाचल की शान को देश की शान बनाने आ रहे हैं अरुणाचल की मिट्टी से बैम्बू जंपिंग पार्टी। हम लोग बैम्बू के साथ में डांस कर रहे हैं और बैम्बू हमारे साथ बहुत जुड़ा हुआ है कल्चर से, इसलिए हम लोग ने नाम रखा है बैम्बू जंपिंग पार्टी। हमारे अरुणाचल पे बहुत सारे डांस ग्रुप है, तो वैसे हम लोग ने बहुत अच्छा अच्छा डांसर को चूज करके जिसमें बहुत पैशन है, उन लोगों को मिला के हम लोग ने ये बैम्बू जंपिंग पार्टी ग्रुप बनाया है। हम लोग ने ये ग्रुप इसलिए बनाया क्योंकि एक्चुअली ये बैम्बू डांस फेल होने जा रहा था, तो उसे हम लोग वापस रिवाइव करना चाहते हैं। पुनर्वास देश की शान आने का हमारा एक ही मकसद है कि ये बैम्बू डांस के थ्रू हम ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं ताकि बैम्बू का जो लाइफ स्टाइल है हमारा उसे वापस रिवाइव कर सकते हैं। Oh,
लोग कहाँ के हैं? हेलो दादा, सभी को नमस्कार। सर हम अरुणाचल प्रदेश से सर। नॉर्थ ईस्ट? जी सर। ये नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली कल्चरली बहुत रिच है, बहुत रिच है। म्यूजिक, डांस, लोग जो भी करते हैं मतलब कमाल के करते हैं, बहुत ही खूबसूरती से करते हैं। यस सर, थैंक यू। और उस कल्चर को हुनर बास के मंच में लाने के लिए मैं आप लोग सभी को थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैंने देखा है, डांस है, डिस्को डांसिंग, मैं ऐसा कभी नहीं देखा, मैं कसम से बोलता हूँ। थैंक यू सर। दिस इज कॉल्ड यूनिक, एकदम अनोखा। एक डिस्को डांस को किस तरह अपने स्टाइल में और क्या ब्यूटीफुली इसको मिक्स करके प्रेजेंट किया, एंड एवरीथिंग वाज मीनिंगफुल। ऐसा नहीं लगता कि चलो ये लाइन आ रहा है तो कर दें, ये कुछ कर दें। आप लोगों ने जो प्रेजेंट किया ना, दैट्स कॉल हुनर, दैट्स कॉल हुनर। थैंक यू सो मच सर। इसलिए मेरी तरफ से डांस। बैम्बू जंपिंग पार्टी? जी सर। जब आप बैम्बूज लाए थे और यहाँ आपने बहुत इंटरेस्टिंग कोरियोग्राफी शुरू की इस, पता नहीं क्या होगा बैम्बूज के साथ। व्हाट एन अनयूजुअल इंटरेस्टिंग वे टू यूज अ बैम्बू एंड हाउ फैंटास्टिकली यू ऑल डिड इट। In the Northeast, thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. आपके एक्ट में आप इतना मजा कर रहे थे, लेकिन आपके एक्ट में कितना कल्चर था? हमारे देश का ऐसा कल्चर जो हमारा आज का यूथ इतना देख नहीं पाता है, हम शायद उसके बारे में इतना जानते नहीं है, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान का कितना ब्यूटीफुल एक कोने में एक ब्यूटीफुल आर्ट है, छुपा हुआ है। जी। आपने यूथ के लिए अरुणाचल प्रदेश का जो कल्चर है वो इंटरेस्टिंग बनाया। हमारा शो क्यों चूज किया? मैं एक्चुअली जो हम लोगों ने बम्बू डांस किया, एक्चुअली ये नॉर्थ ईस्ट का एक फोक डांस है। और मैम जैसे जैसे मॉडर्नाइज होते गया दुनिया, वैसे ही मैम ये जो बम्बू का जो ट्रेडिशन जो कल्चर्स था वो फेड अवे होते गया, जिसका वजह से हमारा जो यूथ था इधर उधर भटक गया, जो अभी मॉडर्न जमाना में जैसा रहता है। तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हमको नहीं मिलेगा जहाँ हम लोग अपना जो कल्चर और ट्रेडिशन को प्रमोट कर सके। और दूसरी बात तो मैम ये जो बम्बू है ये हमारे लाइफ से बहुत कनेक्टेड है। एक्चुअली एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपको प्लेट में खाना खाना, तो बम्बू का प्लेट भी हमको मिल सकता है, बम्बू का चम्मच मिल सकता है, बम्बू का बाटी मिल सकता है, बम्बू का टोकरी जहाँ आप बहुत सारा सामान आप बुक सकते हो, या तो अगर आपको नदी पार करना है तो वहाँ बम्बू का ब्रिज भी लगा सकते हो, नाव भी बना सकते हो। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ बम्बू से ही मतलब बन जाती है। तो हमने आप मान लीजिए कि आप पूरा अपना लाइफ को अपना बम्बू पर निर्भर कर सकता है, बम्बू का खाना, बम्बू का एवरीथिंग, सब कुछ बम्बू पे ही है। तो आपका मिशन था इस एक्ट से जिसमें आप सफल हुए, तो कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much.